Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Classes. चलिए शुरू करते हैं बैटल ऑफ निमसेट सीरीज। बैटल ऑफ निमसेट सीरीज इंपॉर्टेंट है निमसेट के लिए और निमसेट का नोटिफिकेशन जैसा कि आ चुका है और मैं इसके सारे वीडियोस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो अब निमसेट की बारी है और निमसेट में निमसेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बारी है। तो बैटल ऑफ निमसेट की एक खासियत रही है कि यहां पर निमसेट के क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि क्वेश्चंस के टॉपिक और टॉपिक का रिफाइंड टॉपिक, जैसा कि कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर के अगर आप एग्जाम की बात करेंगे तो मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं निमसेट की तो निमसेट में आपको रिफाइंड एक जगह कलेक्शन चाहिए। तो बैटल ऑफ निमसेट सीरीज मेन उद्देश्य है कि एक टॉपिक के एक जगह क्वेश्चन, जैसे कि आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस उठाएंगे तो क्वाड्रेटिक हमने लगातार ईयर वाइज डाले हैं। आप कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर अर्थमेटिक और बाइनरी अर्थमेटिक के हम लोग अभी तक के 10 पार्ट में से 8 पार्ट डेडिकेटेड है बाइनरी अर्थमेटिक का। आज देंगे सबसे लास्ट ईयर का 2018 के सारे क्वेश्चंस हैं और जैसा कि देखा गया है कि बाइनरी अर्थमेटिक हर बार 5 क्वेश्चंस लगातार आते हैं। देख सकते हैं 2018 के सारे क्वेश्चंस 2018 के हैं। तो कंप्यूटर में बाइनरी अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की सीरीज फुली डेडिकेटेड है बाइनरी अर्थमेटिक की, कंप्यूटर का ये पार्ट और ओवरऑल जैसा कि देख सकते हैं 43 सीरीज, यानी कि बैटल ऑफ निमसेट सीरीज के पहले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 42 वीडियोस आपको पढ़े हैं, यानी कि हर एक टॉपिक के, मैथ्स के हर एक टॉपिक के यहां पर वीडियोस मिल सकते हैं। तो अगर आप निमसेट के क्वेश्चंस के बारे में सर्च कर रहे हैं और मिक्स क्वेश्चन से फेड अप हो चुके हैं, मिक्स क्वेश्चन कहने का मतलब बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, कोऑर्डिनेट सब कुछ मिल रहा है, तो आप एक जगह एक सारे क्वेश्चन का कलेक्शन बैटल ऑफ निमसेट सीरीज जरूर देखें। तो आज का पार्ट शुरू करते हैं कंप्यूटर का 10th सीरीज। तो बाइनरी अर्थमेटिक का आज लेंगे और ये 10वां पार्ट है, लास्ट पार्ट है बाइनरी अर्थमेटिक को हम बाय बाय करेंगे, सलाम करेंगे। तो आपका भी एक उद्देश्य है और हमने बोला है कि पहले में जब हम ये वीडियो खुलाते थे तो बोलते हैं कि योद्धाओं जाग जाइए और आंसर्स करिए। तो कहां है भाई, अब तो आपको आंसर्स करना ही करना है भाई। देखिए मैंने बोला कि एक कमिटमेंट हम हमेशा लेते हैं कि हम कोई चीज करते हैं तो शुरुआत से लास्ट तक उस काम को जरूर करते हैं जो हमें उठाता है। तो बैटल ऑफ निमसेट ने मारला क्लासेस को एक बेस दिया, आधार दिया और आज मुझे लगता है कि जब भी कोई भी हम लोग वीडियो डालते हैं तो लोग सहर्ष और अच्छे तरीके से देखते हैं। तो इस सीरीज को हम बिल्कुल लास्ट तक और 50 मतलब कहते हैं ना सेंचुरी ऑफ 50 तो मारेंगे। आपको बस अपकमिंग में लेना कि आंसर्स करने हैं। चलिए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन 2018 के हैं। कंसीडर द इक्वेशन 43 बेस एक्स, मतलब एक डेक्टो सियोर शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपको रेडिक्स या बेस निकालना होता है, तो यहां उसी का एग्जांपल है। और बाय 3 बेस 8, तो एक्स और वाई, यहां पर वाई ये है नोड और एक्स ये है, इनको बताना है। तो बताना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज 4, 5, 6 एंड 7। ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है। देखा गया कि कंप्यूटर क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो हमने खुद किए, अभी 10 पार्ट हमने खुद बोले हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को रिपीटेटिव बोला है। ये कमी होता है किसी एग्जाम में, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है डेक्टो, तो ये इसका मतलब एक रिफाइंड कलेक्शन में ही वो दे रहे हैं। तो आप बैटल ऑफ निमसेट के क्वेश्चन जरूर देखें, अगर आप ये पार्ट देख रहे हैं तो ये क्वेश्चंस कंप्यूटर के जरूर आप देखें, मैं ये बोलूंगा। और मैं यहां पर भी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चंस एनालिसिस कंप्यूटर का जरूर करिए। रीजनिंग का पार्ट भी हम लोग लेके आएंगे और रीजनिंग की सीरीज भी देंगे। यहां पर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली इन द एक्सप्रेशन। जैसा कि पहला एक्सप्रेशन लिया गया 235 बेस R1 है और 565 बेस R2 है, बेस 10 है और 1065 बेस R2 है। तो R2 और R1 की वैल्यू रिस्पेक्टिवली बताने, मतलब R1 की वैल्यू पहले रहेगी और R2 बाद में। तो 8, 16, 8, यहां पर 8, 12 एंड डी ऑप्शन 16, 12 है। कंप्यूटर एनालिसिस जरूर करें क्योंकि हम अब ये बात बोलने वाले हैं कि यहां पर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं निमसेट में, 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन, देखो ये रिपीट हो गया डेक्टो, मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को मैं पढ़ चुका हूं। रूट ऑफ 224 बेस पे आर है और इधर 13 होगा, 13 बेस आर, देखो है कि नहीं। रेडिक्स मतलब आर बताना है, आर ऑप्शन है 10, 8, 5 और 6। इस बार मैं इसका आप आंसर तो नहीं दोगे पर आंसर मैं रट लूंगा इस बार, ठीक है। अब आप तो आत्मा जाग नहीं रही है, अब हम ही रटते हैं। चलिए आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट गिवन बिलो, ये सर्किट बनाया गया, इसको हम क्या बोलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बोलेंगे, क्या ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी बोलेंगे, क्या सी ऑप्शन पढ़ रहे हैं बी इन ब्रैकेट सी प्लस ए है और डी ऑप्शन सी ब्रैकेट ए प्लस बी। मुझे लग रहा है ये ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है,
तुम मुझे आंसर दो और मैं देखता हूं कि मेरा प्रेडिक्शन क्या इन पर सही जा रहा है कि नहीं। चलिए पांचवें क्वेश्चन बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यहां पे, व्हाट इज द मिनिमम टर्म फॉर्म ऑफ द करनैप मैप। पता ही होगा कि आपको के मैप बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, के मैप। विलो अज्यूम दैट एक्स डिनोट्स द डोंट केयर कंडीशंस। तो यहां पर एक के मैप के लिए आप जानते ही हैं, आपको यह दिया गया है, क्या वो बोलेगा यहां पर, बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि यहां लिखे थे एसओपी और पीओएस, तो एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। तो यहां पर पहले प्रोडक्ट किया गया, बाद में सम कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट पहले किया गया और बाद में सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया एसओपी। ये है सी ऑप्शन, बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी डी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। ये रहा कंप्यूटर का अर्थमेटिक का लास्ट पार्ट, दसवां पार्ट, और हमने सारे क्वेश्चन आपके लिए पढ़े क्योंकि हम मैथ पढ़ाते हैं यहां पर और आप कंप्यूटर के आंसर नहीं दे पा रहे, तो अजीब सी बात है। खैर आप अपना पार्ट करते रहे क्योंकि योद्धा वही होते हैं जो लगे रहते हैं, मगर कुछ लोग अभी ऐसे हैं हमने देखा है कि वो आंसर्स करते हैं शाबाश, और मैंने देखा कि वो निमसेट की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो मारवाड़ वाली है उस पर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और अगर आप सो रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज www.marwadaonlinetest.com पे जाके फ्री में रजिस्ट्रेशन करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको बहुत मतलब आप सबसे पहले पूछते कि कितने का है, कभी कोचिंग लेते तो कितने का है, कितने का मिलेगा, अरे आप पहले मांगते रहते कि टेस्ट सीरीज दे दो टेस्ट सीरीज दे दो, अब कहाँ चले गए भाई, भाई 1000 के करीब वहां पे लोग टेस्ट दे रहे हैं, इस बार लिमिट का है ध्यान रखो दे दो। आस्क मारवाड़ ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, बहुत सारे आपके पास ऐप फर्जी के पड़े हुए उनको डिलीट कर दो, एक एक ऐप जो अच्छा था है उसको आप ऐड कर लीजिए। और करना क्या है, कोई भी क्वेश्चंस आपको अब लगता है स्नैपशॉट खींचो और डाल दो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहां पर जो आपका सोल्यूशंस देंगे, अगर अच्छे क्वेश्चंस वहां लगते हैं तो आप आंसर दीजिए। मावला क्लासेस की साइट्स पर, मावला क्लासेस की यूट्यूब पर बने रहिए, पढ़ने के लिए बने रहिए, और कोई भी समस्या आए तो यहां पर कमेंट करिए। और बैटल ऑफ निमसेट का एक उद्देश्य है और इस बार आपको करना है, जैसे ही ये पार्ट देखे आंसर जरूर करें। क्या कंप्यूटर नहीं आता है, तो 10 क्वेश्चन है, 8 नंबर की बारी है और आपका आंसर की बारी है, और हम चलते हैं नए वीडियो में हाजिर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।